हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वेलकम टू नाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाद में घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो आज मैं दो चीजों का अंतर आपको बताऊंगा। दोनों ही सेम होती है, लेकिन इन चीजों में कितना क्या अंतर है, क्या कुछ है। एक तरफ है ड्राइवर की नौकरी और एक तरफ है आर्मी फौज की नौकरी। दोनों एक तरीके से आपको सेम लगेंगी, लेकिन कितना फर्क इनमें दिखता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, फुल देखिए, कंप्लीट देखिए। जब कुछ सब कुछ समझ में आपके आ जाए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो करना है कर देना। पहले बात तो सुन के जाइए, पहले बात सुनने में आपके कुछ पैसे नहीं लगते, ना ही कोई आपको ज्यादा नेट लगता है। 5 मिनट की वीडियो है, इससे ज्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अब सभी को ये लत है कि मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, ट्रक ड्राइवर बनना चाहता हूँ। तो ट्रक ड्राइवर कितनी तकलीफें झेलता है, इस बात का अंदाजा भी है आपको? नहीं है। आज मैं आपको सारी हकीकतें बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो नंबर एक पे बात करता हूं मैं, एक ट्रक ड्राइवर और एक आर्मी की नौकरी, फौज की नौकरी। देखिए, ट्रक ड्राइवर भी महीनों महीनों बाहर रहता है, कभी छुट्टी की तरह ही आता है, 10-5 दिन के लिए या फिर 2-4 दिन के लिए। फौज की नौकरी में फौजी, वो भी इसी प्रकार से होता है, उसको भी जो है 6 महीने में, 3 महीने में इस प्रकार से छुट्टी मिलती है, और 10-3 महीने इस तरीके से आता है। नंबर एक बात ये। नंबर दो बात कि एक फौजी और एक ट्रक ड्राइवर, जब उसका बच्चा, बाल बच्चे जो भी घर पे होते हैं, ना ही तो उनसे अच्छे तरीके से मिल पाता है और ना ही एक फौजी मिल पाता है। इस बात से तो सहमत हो? बस आपको दो तीन चीजें जो है बढ़िया लगती हैं ट्रक ड्राइवर की, खुला खाना, खुला पीना, सभी चीजों में उसकी जो है खुला आजाद पंछी की तरह रहता है। एक जो फौजी होता है वो एक बंद कटघरे में होता है, जो फौज के रूल रेगुलेशन होते हैं उनके खिलाफ ही वो रहता है। उनसे अगर उसने एक सुई भी इधर उधर कर दी तो उसका भी जवाब उसको देना पड़ता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर का कोई, वो कुछ भी कर सकता है, कोई उसका जो है ज्यादा हिसाब किताब नहीं ले सकता। ठीक है, नंबर चार पे बात करता हूं मैं यहाँ पे, खतरा। जैसे बॉर्डर पे फौजियों को खतरा होता है, उसी प्रकार से ड्राइवर को खतरा होता है। जान यहाँ गर्दन पे लेकर चलनी पड़ती है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कौन पीछे से गाड़ी ठुक जाए, आगे से ठुक जाए। रात को सड़क पे जा रहा हूँ, 100-100 किलोमीटर तक कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, भूख प्यास कैसे कैसे चलना पड़ता है। तो ट्रक ड्राइवर बनना इतना आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है। एक सहन शक्ति अपने अंदर रखनी पड़ती है आदमी को, सहन शक्ति। 2-2 महीने घर आए हो जाता है, घर में क्या हो रहा है, बच्चों का क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं होता है। इसी तरह के फौजी से रहते हैं बस। लेकिन फर्क ये होता है, सबसे बड़ा फर्क ये होता है, दोनों ही जान की रक्षा करते हैं, ट्रक ड्राइवर भी, एक जो होते हैं हमारे फौजी। आज मैं बहुत बड़ी बात आपके सामने कर रहा हूँ, एक ट्रक ड्राइवर की फौजी से तुलना कर रहा हूँ मैं। और सेम बात है, आपको किसी ने बताया नहीं होगा यूट्यूब पर, ना ही आपको ऐसी वीडियो मिलेगी देखने के लिए। दोनों ही सेम होते हैं, तनख्वाह भी सेम होती है, वही 30-40 हजार वो कमा लेता है, वही 30-40 हजार वो कमा लेता है। फर्क कुछ भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस क्या फर्क है, एक ठप्पे का फर्क होता है। वो एक गवर्नमेंट नौकरी करता है, ये एक प्राइवेट नौकरी करता है, ट्रक ड्राइवर। इससे ज्यादा अंतर आपको अगर मिल जाए तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बता देना, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कमेंट करना आता है कि हाँ भाई ये बात आपने सही कही है या नहीं कही है, तो ट्रक ड्राइवर को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है भाई लोगों, तब जाके ये नौकरी हो पाती है, तब कुछ हमारे पास हो पाता है। आज मैं आपको इतनी वीडियो मैंने ट्रक की अपने चैनल पे अपलोड करके बताया है। एक दिन में मैंने कुछ नहीं सीखा है, बहुत घूम फिर के मैंने कुछ ये सीखा है। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे फोकस करके अपने माइंड में डालो। सहन शक्ति अपने अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सहन करना, राह में रास्ते में क्या पता कैसा आदमी मिल जाए। सबका दिमाग एक समय तो नहीं होता, अब क्या खा रखा है, क्या पी रखा है, वो आके गाली गलौज करने लग जाए, तो उससे क्या है, आपको थोड़ा सा सहनशीलता से निपटना चाहिए। पहले बात को संभालिए, फिर उसको तोलिए, फिर उसको
एक तरीके से उससे बात कीजिए, उसको समझाइए, नहीं समझ में आता है तो उससे थोड़ा सा टाल लीजिए बात को, झड़ा ही झगड़ा। आप सौ सौ किलोमीटर, हजार हजार किलोमीटर दूर जाओगे, किस किस से झगड़ा करोगे? तो कौन कौन से झगड़ा करोगे? सबसे झगड़ा तो हम कर नहीं सकते भाई, हमारे भी फैमिली है, उनके भी फैमिली है, वो तो क्या पता कैसा है अगला बंदा। तो ये ट्रक ड्राइवर और फौजी दोनों ही बढ़िया आदमी होते हैं, समान नौकरी होती है, समान सब चीजें होती हैं। तो इतनी मुसीबत है आपको भाई लोगों, झेलनी पड़ेंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाद में घंटी को जरूर दबा देना, घंटी बिना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।